हेलो फ्रेंड, आई एम सीपी यादव एंड आई हैव ब्रॉट यू द सेम क्वेश्चन एज यस्टरडे। एन इलेक्ट्रिक पोल विच वॉज 24 मीटर हाई, इट ब्रोक ऑफ 9 मीटर हाइट। यह 9 मीटर ऊंचाई से टूट गया है। ये था इलेक्ट्रिक पोल। आप देखिए, चित्र बनाया है मैंने। ए बी इलेक्ट्रिक पोल था और ये 24 मीटर हाइट का था। 24 मीटर यहाँ से लेकर के, और ये टोटल 24 मीटर का था। इट ब्रोक ऑफ 9 मीटर हाइट। ये 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक आपका ये 9 मीटर हाइट है जो यहाँ से टूटा हुआ है ये। और ये टूट करके जिस पॉइंट से यहाँ पर ये मिल रहा है इसको हमने सी मान लिया, और जहाँ से ये टूटा था इसको अगर हम डी मान लें, तो आपको फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द पोल, ये पोल का जो बेस है ये, एंड द टचिंग पॉइंट एट द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर ये पोल टच कर रहा है यानी सी पर। तो आपको बी सी की डिस्टेंस आपको पता करनी है। लेट अस द डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। मान लेते हैं कि हम ये बी सी की डिस्टेंस एक्स मीटर है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पोल की हाइट, टोटल हाइट थी आपकी 24 टोटल हाइट ऑफ पोल ये थी आपकी 24 मीटर, और ये जहाँ से टूटा है डी से, तो बी डी ये आपकी है, बी डी इक्वल टू 9 मीटर। तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है ऊपर का ए डी का हिस्सा, जो टूट करके ये डी से टूटा और यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये इतना कितने का है ये आपको निकाल सकते हैं। 24 माइनस ये डी ए डी निकाल लीजिए, ए डी इक्वल टू 24 माइनस 9, तो ये आपका आ जाएगा शायद 15 मीटर। ये 15 मीटर का ऊपर का हिस्सा है जो कि आपको ग्राउंड पर टच किया, अर्थात डी सी इक्वल टू 15 मीटर। जो ये ए और डी हिस्सा था, यही हिस्सा आकर के यहाँ टूट गया, तो ये ए डी बराबर जो है वो डी सी के हो जाएगा। अब आपको बी सी ज्ञात करनी है, तो आप देखेंगे हमारा ये समकोण त्रिभुज बना डी बी सी, और ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, डी सी इन ट्राई एंगल बी सी बी डी सी, बी डी सी में ये होता है बी डी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इक्वल टू डी सी का वर्ग। तो बी डी आपको पता है 9 मीटर 9 स्क्वायर, और बी सी ये आपको पता करनी है, और डी सी आपको पता है 15 मीटर 15 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 9 जा 81 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 15 जा 225, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 और माइनस 81, इसको उस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 144, 5 से 1 घटाया 4 और 12 से 8 घटाया 4, 1 का 1, 144। तो एक्स स्क्वायर टू, अब हम 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर टू 12 यानी ये बी सी इक्वल टू 12 मीटर। यही आपको निकालना था कि जट बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड टचिंग पॉइंट इक्वल टू 12 मीटर। तो ये आपको एक क्वेश्चन जैसा कल हमने बताया था, कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर दोबारा इसको रिपीट कर दीजिए, तो उसी तरीके का सेम क्वेश्चन मैं आपको एक लेके आया हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल एजुकेशन काल्पी को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।